आप बंगाल में जीते वो बंगाल का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। ए टीम वाले जमीन पर है ही नहीं है, उनका बी टीम अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के गांव गांव घूम रहे हैं। मतलब आपका भी तो कोई अपना सेंस होना चाहिए। अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ तो भाजपा के लोग जमीन पर नहीं है, और बी टीम का जो आदमी है वो मतलब हम अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर गांव गांव पैदल चल रहे हैं, हम पागल हो गए हैं। वोट हम लोग जाति पर करेंगे, वोट धर्म पर करेंगे, पुलवामा पर करेंगे, 5 किलो अनाज पर करेंगे, वोट हम लोग सिलेंडर के लिए करेंगे, वोट हम लोग मोदी जी का चेहरा देख कर करेंगे। तो मैं रोज ये गांव गांव में जो पूरे अभियान में बता रहा हूँ कि ये आपका भ्रम है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं और नेता काम नहीं कर रहा है। 20% जो मुसलमान है वो तो जाति पर नहीं वोट दे रहा, वो तो भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। तो ये आपका बहुत सरलीकरण है ये कहना कि हर चीज जाति पर ही हो रहा है। जाति एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन एकमात्र विषय नहीं है। जाति के साथ साथ दूसरे और भी पहलू है। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा। बिहार में आपने वोट दिया मोदी जी को, चेहरा को देख कर लोग कहते हैं ऊपर देख के वोट दिए, मोदी जी को चेहरा देख के वोट दिए। तो चाहे आपके हमारे बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी अखबार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिहार में लोगों ने वोट किया गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रही है और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती, और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, प्रधानमंत्री ने एक शाम को जब विजय की सभा की उन्होंने, तो उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट 24 का संकेत देता है। तो मैंने उसका काउंटर करते हुए एक ट्वीट किया था कि भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव है। कर्नाटक चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जीत हुई देखिए, मैं इन विषयों से अपने आप को अलग ही रखता हूँ आजकल, लेकिन उत्तर प्रदेश के जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, प्रधानमंत्री ने एक शाम को जब विजय की सभा की उन्होंने, तो उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट 24 का संकेत देता है। तो मैंने उसका काउंटर करते हुए एक ट्वीट किया था कि भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से 24 का चुनाव फैसला नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, देश का चुनाव 24 में होगा, कौन जीतेगा वो बात अलग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 24 लोकसभा के चुनाव का संकेत नहीं देता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई। कमोबेश वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है, इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते वो बंगाल का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती, और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो
मैं मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिनमांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है, उसके लिए हर लड़ाई अलग लड़ाई है। चलिए ना, लोग आरोप, लोगों के आरोप का क्या है, लोगों का काम है कुछ करना, कुछ भैया उनको कहेंगे। हम क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। मैं रोज कहता हूँ कि आप, मैं जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए। ए टीम वाले जमीन पर है ही नहीं है, उनका बी टीम अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के गाँव गाँव घूम रहे हैं। मतलब आपका भी तो कोई अपना सेंस होना चाहिए। अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ तो भाजपा के लोग जमीन पर नहीं है, और बी टीम का जो आदमी है वो मतलब हम अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर गांव गांव पैदल चल रहे हैं, हम पागल हो गए हैं। जो कह रहा है ए टीम बी टीम, उसको कहिए ना कि भाई इस गर्मी में 5 दिन खाली पैदल चल के दिखा दो। मैंने आज नहीं, शुरुआती दिनों में ही कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, समाधान यात्रा पर उस समय मैंने कहा था अगर आपको है दम तो सुरक्षा हटा दीजिए, या सुरक्षा लेकर किसी एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दीजिए। नीतीश कुमार और ये जो नेता यहाँ पर बड़े बड़े हैं, किसी एक गांव पंचायत में लोग पैदल चल के दिखा दे, सुरक्षा लेकर नहीं चल सकता। भैया इस सुधारने का जो तरीका है, जो रूल हम बता रहे हैं, वही जन सुराज का उद्देश्य है कि सुधरेगा तब जब लोग इसको सुधारना चाहेंगे। आप और हम 5 बरस बिहार की हर समस्या पर चर्चा करते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको भुगत रहे हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो हम लोग वोट उन समस्याओं पर नहीं करते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। वोट हम लोग जाति पर करेंगे, वोट धर्म पर करेंगे, पुलवामा पर करेंगे, 5 किलो अनाज पर करेंगे, वोट हम लोग सिलेंडर के लिए करेंगे, वोट हम लोग मोदी जी का चेहरा देखकर करेंगे। तो मैं रोज ये गांव गांव में जो पूरे अभियान में बता रहा हूँ कि आपका भ्रम है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं और नेता काम नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कि जिन विषयों पर भी आपने वोट दिया है वो काम कम या ज्यादा बिहार में भी हो रहा है। आपने वोट दिया राम मंदिर के लिए तो बिहार में नाली, गली, सड़क, विद्यालय, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए तो बिहार में कितना भी चोरी और भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500 हर घर सिलेंडर आया है। आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए तो बिहार में चाहे कितनी कुव्यवस्था है, हर घर में बिजली आ गई है, बिल चाहे 6000 आए चाहे 8000 आए। बिहार में आपने वोट दिया मोदी जी को, चेहरा को देखकर लोग कहते हैं ऊपर देख के वोट दिए, मोदी जी को चेहरा देख के वोट दिए। तो चाहे आपके हमारे बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी अखबार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिहार में लोगों ने वोट किया गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रही है और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं तो लोगों को रोज ये बता रहा हूँ कि कौन से विषय पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला। 2500 गांव में अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो, मैं हर सभा में लोगों को ये कहता हूँ, शपथ दिलाता हूँ कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ आज तक बिहार के किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति ने बच्चे के सर पर हाथ रखकर नहीं बोला है कि हमने शिक्षा पर वोट दिया है। लोग ये मानते हैं कि हमने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, हमने रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, हमने अपने फसल के नाम के लिए वोट नहीं दिया। तो सीधी बात है कि जो चीज चाहिए उसके लिए आपको वोट करना पड़ेगा।
दूसरी बात लोग कहते हैं कि अगर हम इस पर वोट करें भी तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। तो जन सुराज का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से समाज में जो इस तरह के लोग हैं उनको गरीब हो अमीर हो अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान जो भी है उनको छूट कर निकाला जाए और समाज के सामने एक विकल्प दिया जाए ताकि एक बेहतर लोग को चुनने का अवसर आपके पास हो। और अगर ये दोनों बात हो जाए लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करें उनके सामने अच्छे लोगों का विकल्प हो तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। ये जरूरी है इन लोगों के पास एक सोची समझी कार्य योजना भी हो। तो जन सुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि सेक्रेटेरिएट में बैठ के अवसर कार्यक्रम न बनाए समाज की मदद से अगले 10 वर्ष में बिहार को विकसित बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग रोजगार ग्रामीण विकास शहरीकरण इन 10 विषयों पर 10 साल का एक विजन कार्यक्रम बनाया जाए जनता को चुनाव से पहले दिया जाए ताकि हर व्यक्ति ये देख सके कि आप शिक्षा को बिहार में कैसे सुधारेंगे कैसे लोगों को यहाँ रोजगार देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा और 10 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कैसे 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ताकि लोग उसको पढ़ें देखें समझें ठीक लगे तो उसको अपनाएं। तो ये तीन जो उद्देश्य हैं घर घर गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, दूसरा उनके सामने एक बेहतर लोगों का विकल्प बनाना और तीसरा एक ऐसी योजना जो अगले 10 साल में बिहार के लोगों के द्वारा बनाई गई हो और अगले 10 साल में बिहार को विकसित राज्य में बनाने के लिए हो। ये तीनों चीज के समायोजन से ही बिहार को सुधारा जा सकता है। मेरे भाई जाति का जो फैक्टर है ये 1000 बार हम बता चुके हैं इस सवाल को, आज से नहीं पिछले 1 साल से बता रहे हैं। जैसे बिहार में कई विषय हैं वैसे जाति भी एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। ये तो आप मानिएगा कि बिहार में भाजपा को मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। तो लोकसभा अभी तो लोकसभा ही है ना 24 में। तो अगर आप कह रहे हैं कि जाति पर ही वोट पड़ा है तब तो मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। 20% जो मुसलमान है वो तो जाति पर नहीं वोट दे रहा, वो तो भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। तो ये आपका बहुत सरलीकरण है ये कहना कि हर चीज जाति पर ही हो रहा है। जाति एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन एकमात्र विषय नहीं है। जाति के साथ साथ दूसरे और भी पहलू है। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा रोजगार और फसल के लिए दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। प्रशांत किशोर का रोल यही है कि जन सुराज को जितना मजबूत किया जा सके वो किया जाए, पदयात्रा करते रहेंगे, लोगों को जगाना समझाना, लोग आपस में मिलकर अपना उम्मीदवार तय करेंगे। तो आपने देखा MLC के चुनाव में जहां 5 जिलों में मैं पैदल चल के गया लोगों ने एक निर्दलीय व्यक्ति को उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया तो जन सुराज ने उनकी मदद की वो जीत कर आया। तो लोकसभा के दौरान अगर जितने जगहों पर हम लोग पैदल चल के गए होंगे वहां पर अगर जनता चुनकर अपना उम्मीदवार देती है तो जन सुराज और प्रशांत किशोर उसके पीछे मदद के लिए खड़े होंगे। फिर वही बात आप पूछे जा रहे हो भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग तय करेंगे, मेरा काम है पदयात्रा करना। पदयात्रा का उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया। इस दौरान हम तो पदयात्रा ही करते आए हैं, MLC लोगों ने चुन कर दिया किसी को कि इनको MLC के लिए लड़ाया जाए तो लड़े, हमने तो उनके पदयात्रा उसके लिए नहीं रोकी, हम जाकर कोई चुनाव का प्रचार नहीं किए, अपने ओर से जो मदद कर सकते थे मदद किए, लोगों ने जिता कर उनको लाया है। वही चीज आगे भी आप देखिएगा जो चुनाव हो रहा है, अभी कुछ लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं तो जहां पर पदयात्रा हो गई है जन सुराज से जो लोग जुड़े हुए हैं जन सुराज से झंडा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं उनको जो मदद हो सकती है वो किया जाएगा।